हेलो दोस्तों, लाइफ ऑफ स्लेश में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर डायरेक्टर जूनियर एनटीआर के टॉप 20 मूवीज़ के बजट कलेक्शन एंड वर्ल्ड रेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 20 स्टूडेंट नंबर 1, यह मूवी 27 सितंबर 2001 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट 2 करोड़ रुपये था। इस मूवी ने 12 करोड़ की कमाई की और यह मूवी एक हिट मूवी थी। नंबर 19 यादी, यह मूवी 28 मार्च 2002 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट 3 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने 19 करोड़ की कमाई की और यह एक सुपरहिट मूवी थी। नंबर 18 सिम्हाद्री, यह मूवी 9 जुलाई 2003 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट 8 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने 26 करोड़ की कमाई की और यह मूवी एक सुपरहिट मूवी थी। नंबर 17 सांबा, यह मूवी 9 जून 2004 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट 12 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने 20 करोड़ की कमाई की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नंबर 16 राखी, यह मूवी 22 दिसंबर 2006 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट 8 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने 26 करोड़ की कमाई की और यह एक सुपरहिट मूवी थी। नंबर 15 यम डोंगा, यह मूवी 15 अगस्त 2007 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट 16 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने 29 करोड़ की कमाई की और यह मूवी एक सुपरहिट मूवी थी। नंबर 14 आदर्श, यह मूवी 13 जनवरी 2010 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट 26 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने 89 करोड़ की कमाई की और यह एक सुपरहिट मूवी थी। नंबर 13 वृंदावनम, यह मूवी 14 अक्टूबर 2010 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट 15 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने 35 करोड़ की कमाई की और यह मूवी एक हिट मूवी थी। नंबर 12 शक्ति, यह मूवी 31 मार्च 2011 को रिलीज़ हुई थी। इस मूवी का बजट 20 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने 32 करोड़ की कमाई की और यह मूवी एक हिट मूवी थी। नंबर 11 उसरावेली, यह मूवी 6 अक्टूबर 2011 को रिलीज़ हुई थी। इस मूवी का बजट 28 करोड़ रुपये था। इस मूवी ने 48 करोड़ की कमाई की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नंबर 10 धामू, यह मूवी 26 अप्रैल 2012 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट 35 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने 32 करोड़ की कमाई की और यह एक फ्लॉप मूवी थी। नंबर 9 बादशाह, यह मूवी 4 अप्रैल 2013 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट 55 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने 128 करोड़ की कमाई की और यह मूवी एक सुपरहिट मूवी थी। नंबर 8 रमैया वस्तैया, यह मूवी 10 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट 40 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने 31 करोड़ की कमाई की और यह मूवी एक फ्लॉप मूवी थी। नंबर 7 रभासा, यह मूवी 28 अगस्त 2014 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट 45 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने 27 करोड़ की कमाई की और यह एक डिजास्टर मूवी थी। नंबर 6 टेम्पर, यह मूवी 13 फरवरी 2015 को रिलीज़ हुई थी। इस मूवी का बजट 35 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने 74 करोड़ की कमाई की और यह मूवी एक हिट मूवी थी। नंबर 5 ननाकू प्रेमाथो, यह मूवी 13 जनवरी 2016 को रिलीज़ हुई थी। इस मूवी का बजट 45 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने 87 करोड़ की कमाई की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नंबर 4 जनता गैराज, यह मूवी 1 सितंबर 2016 को रिलीज़ हुई थी। इस मूवी का बजट 40 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने 135 करोड़ की कमाई की और यह एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी। नंबर 3 जय लव कुश, यह मूवी 21 सितंबर 2017 को रिलीज़ हुई थी। इस मूवी का बजट 40 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने 150 करोड़ की कमाई की और यह एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी। नंबर 2 अरविंदास मेहता, यह मूवी 10 अक्टूबर 2018 को रिलीज़ हुई थी। इस मूवी का बजट 60 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने 165 करोड़ की कमाई की और यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी। नंबर 1 RRR, यह मूवी 24 मार्च 2022 को रिलीज़ हुई थी। इस मूवी का बजट 550 करोड़ रुपए था। इस मूवी ने 1258 करोड़ की कमाई की और यह मूवी एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी थी। तो दोस्तों, इन सभी फिल्मों में से आपका फेवरेट फिल्म कौन सा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।